क्या आमिर खान का करियर खत्म हो गया है? क्या लाल सिंह चड्ढा के बुरी तरीके से पिटने के बाद अब आमिर खान को फैंस देखना बंद कर देंगे? क्या उनकी आने वाली फिल्में सब बर्बाद हो जाएंगी, उनका करियर खत्म हो जाएगा और क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लेंगे? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले KRK यानी कि जिनका पूरा नाम है कमाल आर खान, उन्होंने ये दावा किया है। KRK यूं तो हमेशा ही खान्स पर जमकर बरसते हुए नजर आते हैं और सिर्फ खान्स पर ही नहीं, राजनेताओं को भी वो नहीं बख्शते हैं, फिर चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी हो, उत्तर प्रदेश के CM योगी हो, कोई ही ऐसा राजनेता होगा जो KRK के निशाने पर ना रहता हो। और सेम जाता है बॉलीवुड के साथ भी, कोई ऐसा एक्टर होगा जिसे KRK बख्शते होंगे। तो ऐसे ही उनके ट्विटर पर अब एक ऐसा ट्वीट किया गया है जिसमें आमिर खान के करियर को लेकर सवाल उठा दिए गए हैं। मतलब आमिर खान के करियर को खत्म करने की बात करते हुए KRK ये तक कह गए कि अब शाहरुख और सलमान को भी अलर्ट रहना होगा। अब सलमान से पंगा लेकर वो एक बार उसका अंजाम भुगत चुके हैं, तो ऐसे में सलमान का नाम तो नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली दोनों खान्स को भी आगाह कर दिया कि देख लीजिए कैसा हाल हुआ है लाल सिंह चड्ढा का, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं सतर्क हो जाइए। अब क्या लिखा है KRK ने, जरा सुनिए। भाईजान शाहरुख खान, आज आमिर खान का करियर खत्म कर दिया गया है, बस अब आपकी पठान और बुढ़ऊ की फिल्म का वेट है, आप दोनों भी जल्दी रिलीज करो, वेट नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, अगर किसी को भी अपनी फिल्म के फेलियर के बारे में 1% भी संदेह है तो उसे शाहरुख भाईजान से उस फिल्म में एक सीन करा लेना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि फिल्म डिजास्टर होने वाली है। तो देखा आपने KRK कैसे लाल सिंह चड्ढा के बहाने शाहरुख खान की पठान और सलमान की आने वाली फिल्मों पर तंज कस रही हैं। वैसे आपको बता दें KRK के इस पोस्ट पर उन्हें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं जबकि कुछ लोग उन्हें जमकर कोस रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें अगर लाल सिंह चड्ढा की तो देखिए 11 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हुई थी, 180 करोड़ के बजट से ये फिल्म बनी है, अद्वैत चंदन ने इसको डायरेक्ट किया है, आमिर खान जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट जिन्हें हम कहते हैं ऐसे एक्टर इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं, द फॉरेस्ट गंप जिसको इतने सारे अवार्ड्स मिले उसका ये हिंदी रीमेक है, और इन सबके बावजूद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं आमिर खान पर और उनकी फिल्म पर। यही वजह है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी दिन पर दिन गिरता जा रहा है और अब यही वजह है कि आमिर अपनी फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लाल सिंह चड्ढा के फेलियर ने आमिर खान पर सवाल तो उठाए हैं लेकिन अभी से ये कहना कि उनका करियर खत्म हो गया बहुत बड़ी बात होगी, और ऐसा इसीलिए हम नहीं कह रहे बल्कि KRK कह रहे हैं। अब KRK कुछ भी कहते हैं ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप बताइए KRK के इस दावे पर आप कितना सहमत हैं और इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं?